क्या आपको पता है कलयुग में हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? यह बात स्वयं भगवान ने बताई है कि कलयुग में भगवान को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यह बात रामायण में भी बताई गई थी कि कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, अर्थात कलयुग में केवल भगवान का नाम जपने का ही आधार है। इसी संदर्भ में शास्त्रों में एक और बात कही गई है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। इस पंक्ति का भावार्थ है, कलयुग में केवल एकमात्र हरि नाम का जाप ही सहारा है जिससे भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। शास्त्रों में यह भी उल्लेखनीय है कि हरि का नाम किस रूप में लेना है। ये 16 शब्दों का मंत्र है जिसे महामंत्र भी कहते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जाप व मंत्र प्रचार चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं किया था, जो कि कृष्ण अवतार माने जाते हैं। वे 500 वर्ष पूर्व भगवान के भक्त का रूप धारण करके आए और स्वयं भगवान की आराधना करके लोगों को बताया कि कलयुग में भगवान को किस प्रकार से प्राप्त किया जाए। चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग में इस मंत्र का जप करना ही ईश्वर को प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग बतलाया है। यह एक ऐसा मंत्र है जिसमें सभी मंत्रों का समावेश है। उनका कहना था कि भगवान के नाम से प्रबल इस संसार में कुछ भी नहीं है, इसलिए ही कहा जाता है कलयुग में भगवान को पाना बहुत आसान है, क्योंकि सतयुग में ध्यान के द्वारा ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता था और त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा और द्वापर युग में विग्रह पूजा के द्वारा। ये तीनों ही मार्ग अत्यंत कठिन थे, परंतु कलयुग में लोग इतनी कठोर तपस्या, समय और एकाग्रता के अभाव में कारण नहीं कर सकते हैं। हर मत और संप्रदाय में भगवान के नाम को ही सर्वोच्च कहा गया है। नाम जप में किसी समय, स्थान, परिस्थिति, अवस्था व विधि विधान की कोई भी बाधा नहीं है। किसी भी प्रकार से, किसी भी अवस्था में, परिस्थिति में, कहीं भी, कभी भी ईश्वर के नाम का जप किया जा सकता है। इसी संदर्भ में श्रीमद् भागवत गीता में एक कथा प्रचलित है। अजामिल नामक एक ब्राह्मण था, उसने सतयुग में घोर पाप किए। विवाहित होते हुए भी वह अन्य स्त्रियों संग रिश्ते रखता था। उन्हीं में से एक स्त्री से उसे एक पुत्र भी प्राप्त हुआ, जिसका नाम उसने नारायण रखा। जब वह अपने अंतिम समय में था तो उसने अपने पुत्र नारायण को पुकारा तो स्वयं ईश्वर नारायण के रूप में प्रकट हुए थे। इसी प्रकार द्वापर युग में द्रौपदी के वस्त्र हरण के समय रोते रोते सभी से वह सहायता मांगती रही, परंतु किसी ने भी उसकी सहायता की चेष्टा ना की। तब अंत में उसने श्री कृष्ण के नाम को ही पुकारा तो वे चीर के रूप में प्रकट हुए, जिसे खींचते खींचते दुशासन हार मान गया। राजा परीक्षित के वैद्य धनवंतरी का मानना था कि भगवान नाम का जप ही एक औषधि है जो सभी रोगों को नाश कर सकता है, लेकिन नाम जप से पाप तभी नष्ट हो सकते हैं जब किए गए पापों को लेकर मन में प्रायश्चित हो और उन्हें ना दोहराने का संकल्प हो। यदि दिल से नाम जप किया जाए तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी भगवान को दिल से याद करते हैं वह भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर को पाने का एकमात्र मार्ग ईश्वर का सही प्रकार से दिल से नाम जप करना ही है। आपको ध्यान किस प्रकार से करना है? जब अन्य विचार आपके मन में उठे, उन्हें अपने ध्यान में लाने की बजाय उन्हें ध्यान से हटा दें और फिर से भगवान के नाम का जप करें। मन को शांत करें। शुरू में मन को शांत करने के लिए आप मेधावी ध्यान या योगा का अभ्यास करें। आपको जैसा विश्वास हो उसी ईश्वर का नाम आप जप कर सकते हैं। चाहे आप ओम नमः शिवाय या आप हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या आप चाहें तो राधा कृष्ण नाम का भी जप कर सकते हैं। यह आपकी श्रद्धा के अनुसार हो सकता है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।